स्टूडेंट्स एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसको शॉर्ट में अपन NIOS बोलते हैं, ये ओपन स्कूल है जो ऑल इंडिया लेवल पर जो है विद्यार्थियों के लिए ओपन परीक्षा का फॉर्म जो है अवेलेबल कराते हैं दोस्तों। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जितने भी स्टेट है वे सभी विद्यार्थी जो है अभी इन फॉर्म आया हुआ है, इसका जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है दोस्तों। 31 जुलाई के पहले आप लोगों को कक्षा 10वीं और 12वीं का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फिलअप करना है। सारी डिटेल जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और कितने चार्जेस लगते हैं, फीस डिटेल, ये सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। सारी जानकारी को ध्यान से सुनना है आप लोगों को, है ना। सारे ऑल स्टेट में जो है इसके जो सिलेबस है वो सेम होते हैं, है ना। तो अपन स्टार्टिंग से बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 1, ये जो एग्जामिनेशन है ये सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है वो का लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 16 मार्च से स्टार्ट है और ये 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, नॉर्मल फीस के साथ। फीस का डिटेल भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। और यदि आप इसके बाद भी अगर भरना चाहते हैं तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो है 200 रुपया लेट फीस के साथ जो है जमा कर सकते हैं, है ना। तो एक कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए है। इसी प्रकार यहाँ पर डेट को और आगे बढ़ाकर भी जो है एग्जामिनेशन लिया जाता है। यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसका जो एग्जामिनेशन है अप्रैल महीना में होता है। जैसे कि अभी बहुत से स्टूडेंट जो है अप्रैल महीना मंथ में एग्जाम दिला रहे हैं। व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का 30 तारीख को है पेपर, है ना। तो साल में, वर्ष में 2 बार इसका एग्जामिनेशन होता है। अभी फॉर्म फिलअप होता है जुलाई महीने तक, इसका जो परीक्षा है वो सितंबर अक्टूबर में लिया जाता है, फिर से अक्टूबर नवंबर में न्यू फॉर्म फिलअप किया जाता है, इसका जो परीक्षा है वो अप्रैल मई में लिया जाता है, ठीक है। तो वर्ष में 2 बार इसका एग्जामिनेशन होता है। अब बात करते हैं फीस डिटेल की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने फीस डिटेल लगा दिया है, ये NIOS का ही है, है ना। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होता है, है ना। सेकेंडरी मीन्स होता है कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं का जो टोटल अमाउंट फीस है पुरुष के लिए 1800 है और महिलाओं के लिए जो है 1450 रुपये है, ठीक है। ये सेकेंडरी है कक्षा 10वीं के लिए। अब यहाँ पर आते सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं होता है। यहाँ पर फीस होता है 2000 मेल के लिए और फीमेल के लिए 1650 रुपये है दोस्तों। तो ये फीस डिटेल हो गया। एडमिशन में क्या क्या लगते हैं उसको भी बता दिया जाता है आपको। कक्षा 10वीं दिलाना है तो आपको 5वीं 8वीं का मार्कशीट की फ़ोटो कापी लगेगी, है ना। फ़ोटो लगाना है, ठीक है। यदि आपके पास TC है 5वीं 8वीं का तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इसी प्रकार कक्षा 12वीं के लिए एग्जामिनेशन दिलाना है आपको तो कक्षा 10वीं पास का जो कॉपी है उसको अटैच करना है। और ये जो फॉर्म भरना है आपको ये ऑनलाइन होता है दोस्तों। ऑनलाइन का भी मैं वीडियो जो है जल्द जारी करूँगा, किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो जल्द से जल्द जो है NIOS में एप्लीकेशन डालिए, क्योंकि इसका मान्यता होता है। सभी स्टेट के लिए इसमें को मान्य किया गया है। और आप कोई भी जॉब में डालना चाहे, है ना, नीट का एग्जाम दिलाना चाहे, PET PMT कोई भी एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे जो है इसकी जो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जो है आप लोग के लिए ज़रूर लाऊंगा NIOS के लिए। इसके पहले मैं जो है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, इसके लिए जो है मॉडल पेपर और ओपन परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी जो है उस पर अपलोड करते रहता हूँ,